हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में कोर्ट मैच करने के लिए क्या प्रोसीजर है। यह वीडियो स्पेशली इलाहाबाद यूपी के कपल के लिए बनाई गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यूपी के बहुत से कपल को जो अदर डिस्ट्रिक्ट में अन्य जिलों में रहते हैं, उनको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट से मैरिज करेंगे, यहाँ पर शादी हो जाएगी और जो यहाँ पे शादी होगी उसकी ज़्यादा मान्यता होगी, और बहुत लोग ऐसा करने कराने का दावा भी करते हैं। मैं आपको बता दूँ, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम शादी करना कराना नहीं है। हाई कोर्ट हाँ, आपकी शादी को प्रोटेक्ट जरूर करता है। जो मैरिज जो होती है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसके लिए गवर्नमेंट का ऑथोराइज ऑफिसर सब मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय होता है, यानी जितने भी यूपी में मैरिज होती हैं सब रजिस्ट्रार कार्यालय में होती हैं, या SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के यहाँ होती है, जो कि अपनी तहसील और डिस्ट्रिक्ट में ही बैठते हैं। आप किसी भी तरीके से जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट आपकी मैरिज करा ही नहीं सकता है। वह केवल जो आपने कोर्ट मैरिज की है उस पर पुलिस प्रोटेक्शन देने का काम करता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत से लोग इलाहाबाद में मैं आपकी कोर्ट मैरिज करा दूंगा या मुझे इलाहाबाद से ही करनी है सर, वहाँ की ज़्यादा मान्यता होती है, ऐसा बताया गया, तो यह बात अपने आप में गलत है। बहुत से लोग इलाहाबाद में बुला करके लिव इन की पिटीशन अलाउ करा देते हैं, ठीक है ना, पुलिस प्रोटेक्शन करा देते हैं, तो यह कोर्ट मैरिज नहीं कहलाती और ना ही आपके पास कोर्ट का मैरिज का सर्टिफिकेट होगा। बहुत से कपल जो ठगे जाते हैं, जिनका टाइम खराब हो जाता है, बाद में हमारे पास आते हैं, ये सिचुएशन हमें बताते हैं कि सर 2 साल पहले लिव इन का ऑर्डर करा दिया था, पुलिस ने तो नहीं पकड़ा, पर हमारे पास कोई कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं, पेपर कैसे चेंज कराएं, मैं से वाइफ कैसे प्रूफ करूँ, तो बाद में भी उनको कोर्ट मैरिज ही करानी पड़ती है ना। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से बचे, यह वीडियो स्पेशली इसीलिए बताई गई है। उत्तर प्रदेश में मैरिज का क्या प्रोसीजर है, यानी इलाहाबाद में क्या प्रोसीजर है, मैं आपको बताऊंगा, और आप यूपी में कहीं के भी रहने वाले हों सभी के लिए सेम ही प्रोसीजर है। बेसिकली 3 मैरिज के प्रोसीजर होते हैं। पहला तो अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट में होता है, जो कि इंटर रिलीजन या फॉरनर्स के लिए, अगर आप इंटर कास्ट यानी हिंदू हैं, हिंदू का मतलब हिंदू, बौद्धिस्ट, जैनी, सिख, ये चारों एक ही बात होती, सबके लिए हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है। इनकी मैरिज को 2 तरीके से कराया जा सकता है। एक तो जनरल प्रोसीजर में, जिसमें फर्स्ट डेट पे अप्लाई होता है और 30 डेज बाद कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। इस प्रोसीजर में प्रैक्टिकली प्रॉब्लम यह है, अगर फैमिली आपकी मैरिज के अगेंस्ट है तो आप मैरिज नहीं करा पाएंगे, क्योंकि घर पर नोटिस जाता है। दूसरा जो हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोसीजर दिया गया है, वह इजी प्रोसीजर यह है। सेक्शन 5 के अनुसार आप पहले रिचुअल्स मैरिज कीजिएगा, यानी पहले आपकी आर्य समाज मंदिर में मैरिज परफॉर्म कराई जाएगी, उसी दिन या कई डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट डे उस मैरिज का सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कोर्ट से आपको एक ऑथोराइज मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसको आप यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस प्रोसीजर में सेम डे से दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। इसके व्यापार पुलिस आपको परेशान नहीं करती है और ना ही कर सकती है। अगर कोई आपको परेशान करता है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट और लड़की के 164 का स्टेटमेंट करा करके अपना कंप्लीटली पुलिस प्रोटेक्शन करा सकते हैं। यह कंप्लीटली लीगली और सिंगल ही एक कोर्ट मैरिज करने का प्रोसीजर है पूरे यूपी में, और मैं इलाहाबाद के कपल को भी बता रहा हूँ। दूसरा, केवल हम मंदिर में शादी कर लें, हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन करा लें, वह चीज़ भी अपने आप में गलत है। कोर्ट मैरिज का मतलब कोर्ट मैरिज ही होता है ना। आप जब तक कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन न कराएं, कोर्ट मैरिज का आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, मंदिर में करा लो, लिव इन करा लो, उन चीज़ों से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। इसके लिए भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको एज पर लो फुलफिल करनी होंगी, जिसके लिए लड़कियों की 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, लड़के की 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए। एज और एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड आप दोनों के पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एज प्रूफ की बात करें तो बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, 10th क्लास सर्टिफिकेट, इन तीनों डॉक्यूमेंट में से अगर एक सिंगल डॉक्यूमेंट आपके पास है तो विल बी सफिशियंट फॉर एज प्रूफ। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, DL, पासपोर्ट, इन 4-5 डॉक्यूमेंट में से एक पेपर आपके पास है तो वह आपके एड्रेस प्रूफ के लिए काम करेगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी नहीं किया गया है। हाँ, कोर्ट मैरिज के लिए 2 विटनेसेज भी चाहिए होते हैं। विटनेसेज आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, अगर फैमिली आपकी मैरिज में विटनेस नहीं दे रही है तो। दूसरा, विटनेस की 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, उसके पास अपना आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए। दूसरा, अगर आप इंटर रिलीजन कपल हैं तो इंटर रिलीजन कपल की मैरिज यूपी में नहीं हो रही है, पिछले 4 साल से नहीं हो रही है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है, पहले DM से परमिशन लो, DM SSP को लिखेंगे, वो वेरिफिकेशन करेंगे, तब मैरिज होगी, तो पूरा एक जलूसा निकल जाता है ना, तो वहाँ कपल डरते भी हैं, ऐसा माहौल है। तो इंटर रिलीजन कपल अपना मैरिज पिछले 3-4 सालों से दिल्ली या बॉम्बे में करा रही, यूपी वालों के पास दिल्ली ही पड़ता है, तो दिल्ली में क्या होता है, Day 1 मैरिज होगी, और Day 2 उस मैरिज का अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन होकर के कोर्ट से लीगली मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। यह सर्टिफिकेट वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है, इसके व्यापार आप यूपी में जाकर के पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हैं। दूसरा,
यूपी दिल्ली में भी मैरिज करने के लिए अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आप मैरिज कराते हैं तो 3 विटनेसेस चाहिए होंगे। विटनेसेस की एज स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए 21 साल प्लस होनी चाहिए और कोशिश करें 2 विटनेस आपके फ्रेंड से रिलेटिव चल जाएंगे, एक कोई आप दोनों में से किसी एक का फैमिली मेंबर हो तो ईजिली आप इंटरकास्ट इंटर रिलीजन इस तरीके से अपनी मैरिज करा सकते हैं। और कोई व्यक्ति इसके अलावा आपको कोई गलत मिसगाइड कर रहा है कि ऑनलाइन पेपर भेज दो, व्हाट्सएप पर मैं पेपर बनवा दूंगा, घर पे बैठे बैठे ऑर्डर हो जाएगा, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, तो ऐसे लोगों से ऐसी चीज़ों से बचें। ऐसी चीज़ों में केवल आपका पैसा जाएगा, आपका समय खराब होगा और लीगली आपको परेशानियाँ ही झेलनी पड़ेंगी। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।